वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट इस बार का वो पता भी था लोगों को Q4 दिक्कत वाला रहेगा, और Q4 की कमेंट्री ज्यादा दिक्कत वाली होगी क्योंकि ये सब जो दिक्कतें हैं ये Q1 में एक्चुअल दिखेंगी। तो ये तो मार्च तक की तिमाही थी, अब अप्रैल मई जून जो है वो दिक्कत वाला और बढ़ेगा। ठीक है, ये सब चैलेंजेस हैं और ये सब चैलेंजेस ही रह के मूड थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश कर भी रहे हैं। अब ये बेचना चाहिए बाजार, पर जब स्टॉक उठा के देखो तो मन नहीं करता। ऐसे ऐसे पिटे हुए स्टॉक्स हैं, बहुत क्रूशियल जोन्स पे आके कई सारे स्टॉक्स खड़े हुए हैं, कहना मुश्किल है। और IT कंफ्यूज कर रहा है, या तो IT में हमारी एक्सपेक्टेशन बाजार की कहीं ज्यादा है, क्योंकि Mindtree और LTI के नंबर ऐसे खराब नहीं है। Mindtree 5% Q1Q ग्रोथ देता है, LTI जरूर ठंडा पड़ा, 3% के आसपास की Q1Q ग्रोथ पिछले पास ट्रेंड से ठंडा पड़ा। TCS ने बढ़िया दिए थे, इन्फोसिस डिसअपॉइंट कर रहा था, तो मिक्स ट्रेंड था। अब समझ में नहीं आ रहा, मैंने अब वो आउटराइट ही तो नहीं कहूंगा ग्रीन में नजर आएंगे, पर कुछ IT स्टॉक्स एक्यूमुलेशन जोन में जरूर है। अब इनके नंबर्स, अब इन्फोसिस को एक्यूमुलेट करूं क्या, जिसमें कल भी बहुत तगड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई, क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया इसीलिए। कोई Mindtree, LTI या मिडकैप IT को एक्यूमुलेट करूं क्योंकि बहुत तगड़ा प्रेशर उस पैक में आ रहा है, छोड़ दिया। तो दो ब्लू चिप्स ही रखें सिर्फ एक्यूमुलेशन के तौर पे, स्क्रीन पे ऐड करिएगा। मुझे नहीं पता स्क्रीन पे स्टॉक स्पेसिफिक बिहेवियर्स कैसे रहेंगे, पर एक टू डू लिस्ट होती है ना, उसमें जरूर ऐड करके रखिए। तो मैंने रखा उसमें HCL टेक और विप्रो को, जिनके अदरवाइज इनके पीयर्स की हेडविंड्स बहुत स्ट्रांग आ गई, बहुत पेट्रन डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। इन दोनों को रखा है, अच्छे जंक्चर पे हैं, बहुत अच्छी वैल्यू इरोड हुई है, ऑफ लेट करेक्ट हुए हैं, और शायद ये एक्यूमुलेशन जोन में आ रहे हैं। तो अगर स्क्रीन पे थोड़ा बहुत हरकत में आते हैं ये स्टॉक्स तो रेड आप रखिएगा। तो सिर्फ स्क्रीन पे ऐड करना है, आगे जाके कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी आएंगे, कंपल्शन थोड़ा है। पर मेरा काम है कि सुबह कुछ 10 ऐसे स्टॉक्स इंपॉर्टेंट बताऊं जो आज रडार पर रखे जा सकते हैं। आप स्क्रीन को मॉनिटर करिएगा, और वो कहीं भी आपको मुनाफा आ रहा है तो बुक आउट करिएगा। ये बाजार वैसा हो चुका है, ओवरनाइट आप पोजीशंस कैरी नहीं कर सकते, कल का कोई भरोसा नहीं है। तो बात करते करते एसएस निफ्टी सिर्फ एक तिहाई रह गया है, ये तो लाली ना आ जाए कहीं थोड़ी देर में। तो अब ध्यान रखिए, फिर ये मुश्किल काम है, इसीलिए रखिए रडार पे, ऐड करिए, देखते हैं दिन के दौरान किस तरह का ट्रैक्शन या कुछ तरह का एक्यूमुलेशन आता या नहीं आता। तो HCL टेक और विप्रो उस कड़ी में। ACC को मैंने कमजोर रख दिया है, लाल में रख दिया है, हालांकि एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, पर एक्सपेक्टेशंस कहां थी। अब आप देखिए ACC के नंबर्स, 20% का मार्जिन रिड्यूस होके 14.3% पे, 600 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इरोजन आ रहा है। अब एक्सपेक्टेशन तो खैर 700 बेसिस पॉइंट की इरोजन की थी, तो आप एक्सपेक्टेशन से बेहतर होंगे, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। पर यह भी सच है, ACC बहुत वीकनेस दिखा चुका है रिजल्ट से पहले, कल भी प्रेशर में था, कल नंबर से पहले 4-5% के दबाव में था। तो क्या उसके बाद और एडिशनल प्रेशर आएगा, पता नहीं। सिर्फ नंबर्स देखता तो मैं हाँ कहता, पिछले कुछ दिनों का स्टॉक का ट्रेंड देखता तो कंफ्यूजिंग हो जाता, इसीलिए स्क्रीन पर ऐड करूंगा, उसके बाद बिहेवियर को गॉच करूंगा। थोड़े बहुत मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर, पर आय केवल 3% बढ़ती है और मार्जिन जो कोलैप्स हुए उसके चलते मुनाफा 30% का डिक्लाइन। पर ये कुछ हद तक कमजोर क्वार्टर इन सब के भाव में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए ACC मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर नंबर्स के चलते मैं इसको लाल में कैटेगराइज कर रहा हूं। ओके, चलिए एक और स्टॉक है जो मेरी टीम का पहला स्टॉक है, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, और इनको जो नोटिस आई है 102 करोड़ की इनकम टैक्स की तरफ से, 15-16 के असेसमेंट ईयर वाला केस है, और इनका मानना है कि जो चेन्नई में इनकी ग्लोबल सिटी बना रहे थे उसमें जो है इनकम टैक्स का इनको कम इन्होंने पे किया होगा, ये जो भी इनकम टैक्स विभाग को लगता है, तो उन्होंने एक नोटिस चस्पा कर दिया है विद पेनल्टी। इसमें 42-43 करोड़ की पेनल्टी है, बाकी इनका जो मूलधन है इनकम टैक्स का वो है। अब इतनी बड़ी रकम की और इनकम टैक्स के मामले, तो एक हैंगओवर बन जाता है, कैसे सॉर्ट आउट होगा कंपनी की। लेकिन इस खबर चलते मुझे लगता है कि स्टॉक में एक दबाव रह सकता है आज की तारीख में। इसके बाद पावर शेयर्स पे हमारी नज़र कल भी थी और हमने आपको परसों भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। MSEDCL जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसका ये मानना है कि पावर की शॉर्टेज हो रही है। तो NTPC को ध्यान में रखिएगा, पावर प्रोड्यूसर्स के लिए हम इसको पॉजिटिव खबर मानते हैं। उनका मानना है कि 2,500 से 3,000 मेगावाट बिजली की शॉर्टेज है, हो सकती है, और आगे दिक्कत हो सकती है, तो कुछ इलाकों में लोड शेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पावर प्रोड्यूसर्स है, NTPC, JSW एनर्जी, टाटा पावर, इनको गेन इसलिए होगा कि
क्योंकि पावर की जो प्राइसिंग है जो ये बिड के जरिए एक्सचेंजेस में बेचते हैं उसमें इनको गेन होगा और कमर्शियल पावर और ज़्यादा महंगा होता जाएगा। तो डोमेस्टिक पावर जो आती है वो थोड़ा रेगुलेटेड होती है, लेकिन जो कमर्शियल पावर है वो महंगी जाएगी। तो मैं लगता है कि उसकी वजह से जो पावर प्रोड्यूसर्स, इसलिए देखिए NTPC लाइव वो 52 की हाई स्पीड हाई बना रहा है, तो इनको फ़ायदा होगा। IEX को भी रखिएगा, इनका काम है बिजली बेचना एक्सचेंज के थ्रू, और वहाँ पे ज़बरदस्त गेन होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पावर स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। और इससे जुड़ी हुई और एक कंपनी है कोल इंडिया, जिसने 200 का स्तर पार कर लिया है, और उसकी उसका वजह ये है कि जो कोयला है उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, पावर क्राइसिस तो और ज़्यादा कंज्यूम होगा। और कल ही हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि कहीं कहीं पे शॉर्टेज हो रही है पावर की, जो एक आप एक साइकिल बना के रखते हैं कि 14 दिन की आपके पास इन्वेंट्री होती है, उसमें भी दिक्कत आने लगी है। तो कोल इंडिया के लिए भी अगेन एक बेहतर खबर में लगती है, तो यहाँ पे ध्यान रख